बात करते हैं फाइलम फ्लैटी हेलमेंथिसिस के बारे में, जिसको ऑल्सो कट हम लोग फ्लैटवर्म भी कहते हैं। इनके अगर हैबिटेट्स देखा जाए, फ्री लिविंग होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं। इनके सिमेट्री देखा है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ये एसिलोमेट होते हैं या ट्रिपल ब्लास्टिक होते हैं। इनमें ऑर्गेनेल वाला ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनकी बॉडी देखा जाए डॉर्सली वेंट्रली फ्लैटन होती है। इनके एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करते हैं फ्लेम सेल्स होते हैं। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम बात किया तो पैरेन्काइमा होता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इनके नर्वस सिस्टम बात किया तो ये डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होते हैं। इनमें गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर्स नर्व हम देखते हैं। इनके रिस्पायरेशन की बात किया जाए गाइस एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। रिप्रोडक्शन बात किया जाए ये हर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं, बोथ बाइसेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन की बात किया जाए इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है एंड सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। अगर इनका डेवलपमेंट की बात किया जाए तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट होता है। इनमें एक न्यू फीचर होता है रिजनरेशन पावर। अगर इनकी एग्जाम्पल की बात किया जाए तो टीनिया एंड फैसिलिया, दैट इज कंप्लीटेड। थैंक यू गाइस।